अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं पेपाल के हवाले से तकरीबन 20 से ज़्यादा सवालात जो बार बार मुझसे पूछे गए, कमेंट्स में पूछे गए, फिर फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर मुझसे वो तमाम सवालात किए गए। और वैसे तो मैं तकरीबन इन तमाम सवालात का जवाब जो अपनी वीडियो से पहले ही दे चुका हूँ, लेकिन वो कुछ अलग अलग वीडियो थी तो मैंने सोचा जरा मैं एक ही वीडियो बना देता हूँ और वहाँ पर जो तकरीबन तमाम सवालात हैं उनके जवाब दे देता हूँ। अब देखिए, अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल से हैं तो तकरीबन ये जो तमाम सवाल के जवाब हैं ये आपके काम आएंगे, क्योंकि देखिए जिस जिस मुल्क में पेपाल की सर्विस नहीं है वहाँ पर ये तकरीबन तरीका ये काम करता है। आप इस तरीके को इस्तेमाल करके पेपाल का एक वेरीफाइड अकाउंट बना सकते हैं और फिर अपने ही मुल्क में आप पेमेंट हासिल कर सकते हैं। नॉर्मली तो जैसे कि मेरा ख्याल था कि सिर्फ पाकिस्तान से लोग देखेंगे, लेकिन जो वीडियोज़ वगैरह जो मैंने देखी तो उसमें जो स्टेट्स वगैरह से पता चला कि इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से भी जो है वीडियोज़ पर जो लोग वीडियो देख रहे हैं और वहाँ पर उनके कमेंट्स वगैरह भी आए, तो इस वजह से मुझे पता चला कि वहाँ से भी देख रहे हैं। तो अब मैंने सोचा कि चले मैं फिर उसी हवाले से आपको ये गाइड कर दूँ। तो यहाँ पे जो सवालात हैं मैं आपको पहले दिखाया था, देखिए उर्दू में ही सवालात हैं, इंग्लिश में नहीं है। तो यहाँ पे मैंने उर्दू में लिखे हैं, लेकिन तकरीबन 20 सवालात हैं, लेकिन जो जवाब दूंगा मैं आपको वन बाई वन देता जाऊँगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा तमाम सवाल के हवाले से कितनी कौन सी प्रॉब्लम आती है। अब एक सिंपल सी बात करिए कि जो मेन मकसद है इस वीडियो का वो ये है कि आप एक वेरीफाइड पेपाल अकाउंट कैसे बना सकते हैं, उसमें कौन कौन सी आपको प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करनी पड़ती हैं, उनको तमाम चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और एक फाइनल चीज़ कि अपने मुल्क में यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया में आप पेमेंट नेपाल वगैरह में पेमेंट कैसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में तो पेपाल ऑलरेडी मौजूद है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन ये तमाम सवाल जो है मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, तो मैं सोचा चले इन्हीं के मैं आपको जवाब देता जाऊँगा साथ साथ। तो देखिए, इसमें जो पहला जो सवाल था वो ये है कि क्या लीगल जो पेपाल अकाउंट है वो पाकिस्तान में या आप बांग्लादेश से अगर हैं या नेपाल से तो वहाँ पर बन सकता है या नहीं। देखिए, इसका जो बिल्कुल सारा जवाब है कि बिल्कुल बन सकता है। ऑफिशियली बेशक पेपाल जो है पाकिस्तान या किसी और मुल्क में, कुछ मुल्कों में नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस मुल्क में रहते हुए वेरीफाइड पेपाल अकाउंट ना बना सकें। आप बिल्कुल एक वेरीफाइड पेपाल अकाउंट बना सकते हैं और आप अपने मुल्क में पेमेंट भी हासिल कर सकते हैं। जो नॉर्मल तरीका है वो है पेयोनियर का। फिर दूसरा सवाल जो हमारा है वो ये है कि पेपाल अकाउंट बना प्रॉक्सी के ज़रिए खोलें या नॉर्मल। तो देखिए, इसमें आपको किसी भी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जो मैं खुद भी जो बगैर प्रॉक्सी के पेपाल को इस्तेमाल कर रहा हूँ पाकिस्तान से, इसके अलावा मैं कुछ और मज़ीद लोगों को भी जानता हूँ जो बिना किसी प्रॉक्सी के पेपाल अकाउंट को पाकिस्तान में यूज़ करते हैं। मतलब कि उनका अकाउंट जो है USA का, ये सऊदीया का, UAE का या दूसरे ममालिक का बना हुआ है, लेकिन वो बगैर किसी प्रॉक्सी लगाए हम वो हमेशा से ऐसे ही यूज़ करते हैं और उनके पास किसी किस्म का कोई इशू नहीं आया। अब फिलहाल ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बाद में पेपाल को इशू कर दे तो आप प्रॉक्सी भी लगा लें, लेकिन नॉर्मली ऐसा आज तक नहीं हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल जो था मेरा वो है कि फ़ोन नंबर एड्रेस कैसे ऐड करें। ठीक है, अब अगर आप पाकिस्तान या किसी और मुल्क से हैं जहाँ पर पेपाल नहीं है, तो देखिए ये बिल्कुल आसान है। आपको पेपाल का जो पर्सनल नहीं अकाउंट नहीं बनाना, अगर आप पाकिस्तान अपने मुल्क का यानी जैसे पाकिस्तान का ये फ़ोन नंबर, एड्रेस और NIC वगैरह ऐड करना चाहते हैं, तो आप हमेशा जो है बिजनेस अकाउंट बनाएं पेपाल का। अब कौन से मुल्क से आपको पेपाल अकाउंट बनाना चाहिए, देखिए आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे। कुछ लोग कहते हैं कि साइप्रस से बना लें या साइप्रस है, फिर इसके अलावा USA का बना देते हैं, कनाडा का, फिलिपाइन का, मलाइशिया का, बहुत से ममालिक का बनाते हैं, लेकिन जो बेस्ट जो मेरा जो मशवरा जो पर्सनल मेरा अकाउंट है वो है UAE का। उसकी थोड़ी सी फीस फिर भी 2.5% है, लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप सऊदीया का बना लेंगे अकाउंट तो वो आपके मुकाबले आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। सऊदीया का आप बिज़नेस अकाउंट बनाइएगा तो उसमें आप जो है अपने मुल्क का यानी पाकिस्तान से अगर जैसे हैं आप, तो पाकिस्तान का फ़ोन नंबर, पाकिस्तान का मुकम्मल एड्रेस और पाकिस्तान का ही जो आपका NIC है या शनाख्ती जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर आप जो पासपोर्ट ऐड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सवाल जो था यहाँ पे मेरे पास जो लिखा है वो है कि पर्सनल अकाउंट बनाना चाहिए या बिज़नेस। तो जैसे मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आप हमेशा बिज़नेस अकाउंट बनाएं, क्योंकि देखिए बिज़नेस अकाउंट बनाएंगे तब ही आप जो है अपने मुल्क का जैसे कि पाकिस्तान का फ़ोन नंबर ऐड कर सकेंगे, नेशनैलिटी आप अपने मुल्क की ऐड कर सकेंगे, तो ये चीज़ लाजमी है। तो कभी भी पर्सनल अकाउंट मत बनाएं, बिज़नेस अकाउंट बनाएं, और ज़्यादा बेहतर यही है कि आप सऊदीया का अकाउंट बना लें, USA का या कनाडा वगैरह का अकाउंट ना बनाएं। वहाँ पे आपको ज़्यादा मुश्किल का पेश आती हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं और टैक्स वगैरह के इश्यूज भी होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है कि कौन से मुल्क का जो पेपाल अकाउंट है वो बेहतर है। तो पर्सनली जो है जैसे मैं खुद जो यूज़ कर रहा हूँ वो UAE का है, लेकिन उसकी भी थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा है, तो उसके मुकाबले में भी जो सऊदीया का अकाउंट है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसकी जो फ़ीस है वो आपको कम पड़ती है
वो सिर्फ 1% है। ये 1% वो फीस है जो आप पेपाल से पेयोनियर में जब आप रकम ट्रांसफ़र करते हैं, मैं उस फीस की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली जो भी फीस होती है पेपाल की, वो तमाम ममालिक में तकरीबन 4.7% है 100 डॉलर पर, जबकि अगर थोड़ी सी अमाउंट से कम हो तो फिर फीस थोड़ी बढ़ जाती है। फिर इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है कि पेपाल की फ़ीस कितनी है। अब देखिए, पेपाल दो तरह की फ़ीस लेता है। एक तो फीस होती है आपकी पेपाल टू पेपाल, यानी जब आप किसी को पेमेंट भेजते हैं या आप पेमेंट रिसीव करते हैं तो वहाँ पर पेपाल आपसे फ़ीस चार्ज करता है। अब ये फ़ीस कितनी है ये अलग होती है, ये डिपेंड करता है आपकी अमाउंट पे। जैसे मेरे पास जो है, जैसे मैं बताऊँ कि जो मुझे पेमेंट रिसीव होती है, अगर 100 डॉलर, 80 डॉलर या 90 डॉलर हों तो तब मेरे पास 4.7% फ़ीस चार्ज होती है। ये यानी कि 100 डॉलर अगर मैं रिसीव करूँगा तो उस पर 4 डॉलर और 77 सेंट जो है पेपाल अपनी फ़ीस काट लेता है, यानी 4.7%। अगर मेरे पास 50 डॉलर 40 या 30 डॉलर होते हैं तो फिर फीस बढ़ जाती है। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर मैं 20 डॉलर रिसीव करता हूँ तो वहाँ पर तकरीबन मुझे 7.7% से ज़्यादा फ़ीस देनी पड़ती है, और अगर 10 डॉलर का भी मुझे रिसीव हो तो 10 डॉलर पर तकरीबन 9% तक मुझे फ़ीस देनी पड़ती है। यानी अगर पेपाल में आप कम पैसे रिसीव करेंगे तो फ़ीस ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा अमाउंट रिसीव करेंगे तो फिर फ़ीस आपकी कम हो जाती है। तो ये पेपाल टू पेपाल फ़ीस थी। अब इसके बाद एक फ़ीस जो और होती है वो होती है पेपाल से पेयोनियर या पेपाल से आपके बैंक ट्रांसफ़र की। अब पाकिस्तान में जो बैंक ट्रांसफ़र का यही, क्योंकि आप ऑफिशियली जो है पाकिस्तान का बैंक ऐड नहीं कर सकते पेपाल में, तो पेपाल का बैंक ऐड किया जाता है। तो इसके हवाले से मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ तफसील से, तो सिंपली मैं यहाँ बता दूँ कि देखिए, पेपाल से जो है पेयोनियर की जो फीस ट्रांसफ़र फीस है, UAE जो है वो 2.5% है। ये जो पहली फ़ीस कटती है उसके अलावा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप अगर आपके पास जो है 100 डॉलर मौजूद है आपके पेपाल में, जब आप उसको अगर पेयोनियर में ट्रांसफ़र करेंगे तो जो UAE का अकाउंट है वहाँ पर मेरे पास 2.5% फ़ीस कटती है, यानी 2.5 डॉलर अलग से फ़ीस कट जाती है, और फिर पेयोनियर में रिसीव होने के बाद 1 डॉलर मजीद कटता है, वो अलग है। तो इसी तरह से अगर सऊदीया का आपका पेपाल अकाउंट बना होगा तो वहाँ से अगर आप 100 डॉलर ट्रांसफ़र करेंगे अपने पेयोनियर में तो वहाँ आपके पास 1 डॉलर कटेगा, यानी 1% है। इसी तरह से अगर अमेरिका का अकाउंट है तो वहाँ पर भी 1% है। तो ये डिपेंड करता है कौन से मुल्क का पेपाल है। इसी तरह फिलिपाइन का है तो फिलिपाइन की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे फिलिपाइन के पेपाल से अगर आप पेयोनियर में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो 35 डॉलर फीस होती है। तो ये चीज़ आपके जहन में रहे, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ से देखिए कि पेपाल से पेयोनियर बैंक ट्रांसफ़र कितनी फ़ीस लगती है, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया है। तो ये फ़ीस आपको जैसे अलग अलग होती है, ये 2.5% भी हो सकती है, 35 डॉलर भी हो सकती है जैसे फिलिपाइन का है, और फिर इस तरह सऊदीया की है वहाँ पर 1% है। तो ये अलग अलग फ़ीस होती है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से मुल्क का बना रहे हैं। अब जिन ममालिक का मुझे पता है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब इसके अलावा और तकरीबन बहुत से लोगों ने अलग अलग ममालिक के बनाए होते हैं, तो मुझे सबका नहीं पता, जितना मुझे पता है वो मैंने आपको बता दिया। फिर देखिए इसके बाद है कि zoom.com की जो सर्विस है वो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो सकती है। देखिए zoom.com जो है एक पेपाल की ही सर्विस है, और उसका फ़ायदा ये है कि zoom.com की सर्विस के ज़रिए आप काफ़ी सारे मुल्कों में अपने पेपाल की रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त जो वो ये है कि आपका जो पेपाल का अकाउंट है यहाँ तो वो यूरोप का हो, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, या फिर कैनेडा का और या फिर अमेरिका का हो, तो तब आप जूम की सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर वहाँ पे आप कुछ फ़ीस वगैरह भी कटती है, वो फ़ीस थोड़ी कम होती है, लेकिन आपको थोड़ा सा एक्सचेंज रेट भी कम मिलता है, लेकिन नॉर्मली जो है वो आपको ज़्यादा बेहतर पड़ जाता है। जूम की सर्विस पे आपको फिर भी थोड़ी सी पैसे, अगर ज़्यादा अमाउंट होगी तो आपको बचत हो जाएगी, जबकि पेयोनियर वगैरह में थोड़े चार्जेस आपको ज़्यादा देने पड़ सकते हैं। तो ये चीज़ भी जहन में रखिएगा। तो यानी कि जूम की सर्विस सिर्फ यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके अलावा कहीं नहीं। फिर इसके बाद हमारे पास है कि क्या पाकिस्तान का बैंक या कार्ड पेपाल में लिंक कर सकते हैं या नहीं। अब मैं इसको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद बार बार मुझे ये सवाल करते हैं। तो देखिए इसका एक साफ जवाब है कि नहीं, क्योंकि पेपाल की सर्विस ऑफिशियली पाकिस्तान में नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप पाकिस्तान का कार्ड यानी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वगैरह जो होता है आपका वो, या फिर आपका जो बैंक है उसको ऐड कर सकें। अगर आप लिंक करने की कोशिश करेंगे तो ट्राई करके देख लीजिए अगर आपके पास लिंक हो सके, लेकिन मेरा ख्याल है कि पेपाल आपका अकाउंट डिसेबल कर देगा ऐसा करने की सूरत में, ठीक है। और क्योंकि ऐसा हो भी चुका है, अगर अमेरिका का आप अकाउंट बनाते हैं, कुछ लोगों ने अमेरिका का अकाउंट बनाया पेपाल का, और जब उन्होंने वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान के सबमिट किए तो उनका अकाउंट डिसेबल कर दिया गया था। तो ये चीज़ जहन में रखिएगा। फिर अगला सवाल हमारा है कि पेपाल की पेमेंट पाकिस्तान में कैसे हासिल करें। देखिए ये डिपेंड करता है कि आपका जो पेपाल अकाउंट कौन से मुल्क का है। नॉर्मली तो अगर किसी भी जगह का आपका पेपाल अकाउंट बना हुआ है, अगर आप उसको पेयोनियर से लिंक कर सकते हैं तो फिर आप जो पेपाल की पेमेंट पेयोनियर में ट्रांसफ़र करते हैं, और फिर पेयोनियर से आप पाकिस्तान में बैंक या जैस कैश में पेमेंट ले लेते हैं। जबकि अगर यूरोपियन कंट्रीज़ कैनेडा या अमेरिका का आपका पेपाल अकाउंट है तो फिर आप जूम की सर्विस के ज़रिए पाकिस्तान में पैसे
हासिल कर सकते हैं। अब अगर ये दोनों तरीके आपके पास काम ना करें तो फिर आपके पास हल ये होता है कि आप अपने पेपाल के डॉलर जो है वो किसी को सेल कर दें, जैसे कि मैं खुद ये काम करता हूँ डॉलर बाय और सेल करने का, और कुछ ऑनलाइन सर्विसेज भी हैं तो आप वहाँ पर भी ये काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि पेपाल को मैसेज या मेल पर आप कैसे कर सकते हैं। देखिए पेपाल अकाउंट को लॉगिन करना पड़ता है, अगर आपने पेपाल को कॉल करनी है, मैसेज करना है या ईमेल वगैरह करनी है तो आप पेपाल अकाउंट को लॉगिन कीजिए, नीचे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन होता है वहाँ पर आप क्लिक कीजिए और उसके बाद आप पेपाल से रابطہ कर लीजिए। अब आजकल कोरोना का जो इशू है उसकी वजह से आपको शायद मुश्किल पेश आए तो आपकी लाइव चैट पे या कॉल पर मुझसे पेपाल से रابطہ ना हो सके तो आपको उनको मैसेज करना पड़ेगा। तो आप जब आप अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो आपके पास वहाँ पे मैसेज का ऑप्शन होता है आपके टॉप मेन्यू में, तो वहाँ से आप उनको मैसेज कर दीजिए। चलिए जी मज़ीद जो सवाल आते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं, या तो मैं इस वीडियो को दो वीडियो पार्ट बना दूंगा या मैं एक ही सीरीज इसको पब्लिश कर दूंगा। तो जो अगला सवाल हमारा है वो ये है कि पेपाल को पेयोनियर से कैसे लिंक करें और कितने दिन लगते हैं। तो देखें जी पेपाल और पेयोनियर को लिंक करने का तरीका ये है कि आप अपने पेयोनियर अकाउंट को लॉगिन कीजिए, वहाँ पर ग्लोबल पेमेंट सर्विस का आपके पास ऑप्शन होता है, वहाँ जाएँ, आपको वहाँ से आपको एक बैंक अकाउंट मिलेगा यूएस डॉलर का, और उस अकाउंट को जो है आपने अपने पास, उसमें आपके पास राउटिंग नंबर होता है और अकाउंट नंबर होता है, उसको आपने कॉपी करना है, पेपाल अकाउंट को लॉगिन कीजिए और वहाँ पर आपके पास लिंक का कार्ड और लिंक और बैंक का ऑप्शन होता है, तो वहाँ पर लिंक कार्ड पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपके पास आया था फिर बैंक लिंक करने का भी, वहाँ पर आप जो ये इन्फॉर्मेशन इंटर करें और इस तरह आप अकाउंट लिंक कर सकते हैं। अब अगर वहाँ पर आपके किसी किस्म का कोई एरर आए, जैसे कि वी कैन नॉट लिंक दिस बैंक या इट इज़ डिसेबल्ड, तो फिर आपको रابطہ करना पड़ेगा पेपाल से, वो आपका मसला हल करेगा। अगर आप फर्स्ट सेंचुरी बैंक इस्तेमाल कर रहे हैं और वो लिंक ना हो तो फिर आपको शायद पेयोनियर को रابطہ करके उनसे कम्युनिटी फेडरल सेविंग्स बैंक भी लेना पड़े। अगर फिर भी आपके पास एरर आए तो फिर आपको पेपाल से रابطہ करना पड़ेगा कि आपका बैंक अकाउंट लिंक क्यों नहीं हो रहा, तो ये आप करते हैं। और देखिए ऐसा भी होता है कि पेपाल जो है आपको दो छोटी छोटी अमाउंट जो होती हैं वो आपके बैंक अकाउंट में यानी पेयोनियर में ट्रांसफ़र करता है, वो अमाउंट आपके पास आने में 4 से 5 दिन या बाद एक हफ्ता भी लग जाता है। जब वो अमाउंट आपके पास रिसीव हो जाए तो तब आप उन दो छोटी छोटी अमाउंट को अपने पेपाल अकाउंट को लॉगिन कीजिए और कंफर्म बैंक के ऊपर क्लिक करें और फिर वहाँ पे जो अमाउंट है वहाँ इंटर कर दीजिए, तो आपका ये बैंक अकाउंट कंफर्म हो जाएगा। इस तरह आपका पेपाल और पेयोनियर लिंक हो जाता है और फिर आप पेपाल की पेमेंट पेयोनियर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल हमारा है कि पेपाल अकाउंट बनाने के लिए स्टार्ट से एंड तक क्या चाहिए। तो देखिए पेपाल अकाउंट बनाने के लिए जो अगर आपने वेरीफाइड बनाना है और बिल्कुल लीगल, तो आप हमेशा बिज़नेस अकाउंट बनाएं, और बिज़नेस अकाउंट के लिए आपको आपका अपना पर्सनल मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास, आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि आपको अपना अकाउंट जो है वेरीफाई भी करना पड़ता है, कंफर्म करना पड़ता है, और इसके अलावा आपके पास अपना NIC ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें से एक चीज़ आपने एंटर करनी होती है, और बाद में जब आपके पास पेमेंट्स वगैरह रिसीव होती हैं तो पेपाल अगर आपको वेरीफाई करने का कहता है या कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने का कहता है तो आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। अगर आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे तो पेपाल आपका अकाउंट डिसेबल भी कर देता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है कि क्या पेपाल और पेयोनियर लिंक करने से कोई मसला होता है। देखिए इसको मैं ये सीधी सी बात है, इसमें कोई इशू नहीं होता। अगर आपका पेपाल और पेयोनियर सक्सेसफुली लिंक हो जाता है तो फिर कोई इशू नहीं आता, आप पेपाल से पेयोनियर में अपने पेमेंट ट्रांसफ़र करते रहें, कोई मसला नहीं आता। तो नॉर्मली ऐसा कुछ हुआ नहीं आज तक, किसी मैंने सुना नहीं किसी के साथ भी ऐसा हुआ हो, तो अगर हो जाए तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कभी कोई मसला हुआ हो। हाँ, सिर्फ ये शुरू में मसला होता है कि जब आप पेपाल और पेयोनियर को लिंक करने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम आपके पास कोई एरर वगैरह आते हैं, नॉर्मली जब लिंक हो जाए तो उसके बाद कोई इशू नहीं आता। अच्छा, फिर अगला है कि पेपाल कौन से डॉक्यूमेंट मांगता है। तो अब ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन से मुल्क का पेपाल बना रहे हैं। अगर आप जो है बिजनेस अकाउंट बनाएंगे और नेशनैलिटी में पाकिस्तान या अपने मुल्क जो बांग्लादेश या नेपाल चूज़ करेंगे और वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आप लिखते हैं, अगर वहाँ पर 3 ऑप्शन होते हैं आपके पास, आपके ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या NIC, तो जो चीज़ आप वहाँ पर देंगे उस टाइम जिसका नंबर देंगे तो पेपाल आपसे उसी चीज़ को मांगता है, तो आपको वही प्रोवाइड करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने भाई के लिए पेपाल अकाउंट बनाया और वहाँ पर मैंने NIC नंबर दिया था, तो बाद में जब मेरे पास पेमेंट रिसीव हुई तो पेपाल ने मुझे कहा कि आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट करें, तो भाई का जो है मैंने NIC सबमिट किया, इंग्लिश में सबमिट करना पड़ा, वो इंग्लिश में ही था, तो वो पेपाल ने एक्सेप्ट कर लिया और अकाउंट को अनलॉक कर दिया, तो कोई मसला ख़त्म हो गया। अब अगर बहुत से लोग ऐसे भी गलती करते हैं कि वो USA का या ये कनाडा का पेपाल अकाउंट बनाए थे या जर्मनी का, तो बाद में वो कहते हैं कि यार अब ये डॉक्यूमेंट्स हम कहाँ से सबमिट करें, तो भाई देखिए अगर आप जैसे ऐसे अकाउंट बना लेंगे USA का या कहीं और का, और नेशनलिटी भी आप USA या कनाडा की देंगे,
तो जब पेपाल आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा तो आपको उसी मुल्क के फिर वो डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेंगे। अगर आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे तो पेपाल आपका जो है अकाउंट डिसेबल कर देता है। तो ये सिंपल सी बात है, आपको समझनी चाहिए। फिर इसके बाद है कि बैंक लीक करने पर मसला हो तो क्या किया जाए। अगर आपका पेपाल से जब आप लिंक करने की कोशिश करें अपना बैंक अकाउंट पेपाल से, अगर वहाँ पर आपके पास एरर आता है तो आप पहले तो आप दूसरा बैंक अकाउंट ट्राई करें। अगर वो फिर भी लिंक ना हो तो उसके बाद आपको पेपाल से रब्ता करना पड़ता है। अगर पेपाल आपको वजह बता दे कि वो आपका राउटिंग नंबर का इशू है या फिलहाल कोई मसला है, तो फिर आपको पेनी से रब्ता करके नया बैंक अकाउंट लेना पड़ेगा। तो वैसे जो दो इशू आए थे मेरे पास, एक तो पहले के लिंक नहीं हो रहा था, तो कोरोना इशू से पहले जब मैंने पेपाल को कॉल की भाई के लिए जब अकाउंट बनाया था, तो सिर्फ कॉल के दौरान ही पेपाल ने मसला हल कर दिया था और उन्होंने मुझे कहा कि अब आप अपने जो ये इंटरनल सिक्योरिटी की वजह से लॉक था, अब आप कोशिश करें लिंक करने की। जब मैंने लिंक करने की कोशिश की तो उसी के टाइम फ़ौरन जो है वो पेपाल और पेनियर जो है लिंक हो गए थे, और किसी किस्म की कोई जो अमाउंट वगैरह थी वो अमाउंट भी मेरे पास नहीं आई, वो अमाउंट के बगैर ही लिंक हो गए थे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद है कि क्या पेपाल से लिंक करे पेनियर से फेडरल कम्युनिटी बैंक लेना लाजमी है। तो देखिए कि अगर आपके पास फर्स्ट सेंचुरी बैंक जो है आपका वो पेपाल से लिंक ना हो, तो फिर आपको फेडरल कम्युनिटी बैंक जो है वो लेना पड़ता है पेनियर से। तो उस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ डिस्कस कर चुका हूँ कि ये बैंक अकाउंट आप कैसे लेते हैं। आपको पेनियर को ईमेल करनी पड़ती है, वो फिर आपको नया बैंक अकाउंट इशू करते हैं, तो फिर आप वो उसको लिंक कर सकेंगे। और अगर फेडरल कम्युनिटी बैंक भी आपके पास लिंक ना हो पेपाल में, तो आपको पेपाल से रब्ता करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अच्छा, फिर ये है कि अमेरिका जर्मनी कनाडा वगैरह के डॉक्यूमेंट्स कैसे हासिल करें। अब कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा कि यार ये डॉक्यूमेंट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। देखिए भाई, आप दो ही तरीके, या तो इलीगल डॉक्यूमेंट्स कहीं से आप हासिल कर सकें, या फिर अगर आपका अमेरिका कनाडा या जर्मनी वगैरह में या जिस मुल्क का आपने नेशनलिटी दी थी अकाउंट बनाते वक्त, उस मुल्क में कोई बंदा मौजूद हो आपका जानने वाला। अब अगर नेशनलिटी आपने वहाँ दी थी और आपका नाम जैसे मेरा नाम ताहिर है और वहाँ पर जो आपके रहने वाले का नाम कोई ज़फ़र है या कुछ और है, तो फिर उसके डॉक्यूमेंट्स तो आपके काम नहीं आएंगे। तो फिर आप दो नंबर डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करेंगे। अगर कहीं से मिलते हैं तो दो नंबर सबमिट कर दीजिए, वरना आप सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। फिर नए पेपर अकाउंट में कौन से मसले आते हैं। तो देखिए, नए नए पेपर अकाउंट में जो इशू ये आते हैं कि आपके पास जो शुरू की पेमेंट्स आती हैं वो पेपाल उनको कुछ दिन होल्ड पे कर देता है। जैसे भाई के अकाउंट के लिए जब पेमेंट आई तो पेपाल ने उनको 21 दिन के लिए होल्ड पे किया और उसके बाद वो पेमेंट रिलीज हो गई, तो फिर वो मुझे मिल गई थी। और एक चीज़ ये भी थी कि जब दो तीन पेमेंट मुझे रिसीव हो गई तो पेपाल ने जो है मेरे अकाउंट को लॉक कर दिया, यानी भाई वाले अकाउंट को लॉक कर दिया, और पेपाल ने कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, यानी NIC। तो जब NIC को सबमिट किया और सबमिट करने के बाद पेपाल ने उस अकाउंट को अनलॉक कर दिया था। तो ये दो मसले आते हैं नॉर्मली, यानी पेपाल आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा आपके, और एक जो आपके शुरू की पेमेंट होगी, शुरू की तकरीबन 5 पेमेंट्स होती हैं, पेपाल उनको होल्ड पर रखेगा। तो ये चीज़ है। इसके बाद आपके पास है जी, पेपाल अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए क्या किया जाए। तो देखिए, ये जब मैं जो पेपाल अकाउंट की जो मैंने वीडियो बनाई है वहाँ पर भी मैंने बताया है, अकाउंट बनाने के बाद आप सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाएँ, मतलब सेटिंग्स में जाके सिक्योरिटी पे आपके पास ऑप्शन होता है, तो वहाँ तो एक तो आप अपनी पिन क्रिएट कर लें, वो 6 डिजिट की पिन होती है, जैसे आप ATM कार्ड वगैरह की पिन होती है वो उसी तरह होती है, तो वो पिन आपके काम आती है। फिर इसके अलावा आपका जो 2-स्टेप वेरिफिकेशन होती है, आप चाहें तो उसको भी इनेबल कर लीजिए। फिर पेपाल में आपके पास सवालात होते हैं कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में 2 से 3 सवालात होते हैं, तो आप उनके जवाब जो हैं जो आपको हमेशा याद रहें वो जवाब आप वहाँ पे ऐड कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि बाद में कभी भी अगर आप पासवर्ड भूल जाएँ या कोई और इशू आ जाए तो पेपाल जो है वो आपसे फिर आपका वो पिन मांगेगा, आपसे वो सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो सवालात जवाब मांगेगा, तो वो जवाब आपको आते होंगे तो आपका मसला जल्दी हल हो जाएगा। तो ये सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। फिर देखिए, कौन से मुल्क के पेपाल की लाइफ ज़्यादा हो रही है, मुझसे ये भी सवाल किया गया। तो देखिए, आप किसी भी मुल्क का पेपाल अकाउंट बना लें, अगर आप डॉक्यूमेंट्स पूरे सबमिट कर देंगे और तो उसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। जैसे कि मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनका USA का अकाउंट पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं, UAE का इस्तेमाल कर रहे हैं, सऊदीया का, और वो कई कई साल से, तकरीबन 6-7 साल से वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको आज तक कोई इशू नहीं आया। तो अगर आप भी जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर देंगे तो किसी भी मुल्क का बना लें, सऊदीया का बना लें, UAE का बना लें, और सिर्फ आप डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल सबमिट कीजिए तो आपका अकाउंट चलता रहेगा, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। और एक चीज़ ये कि देखिए, बार बार नई नई डिवाइसेस से अगर आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो फिर पेपाल थोड़ा इशू करता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। कोशिश करें कि एक ही डिवाइस से, एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर या सिर्फ एक मोबाइल अगर आपके पास, तो उसी से उसको मुसलसल इस्तेमाल करते रहें। नई नई डिवाइसेस से जाके अकाउंट को लॉगिन मत किया करें, पेपाल इसमें इशू करता है। फिर ये आपके पास है कि जी, पेपाल की बिज़नेस डिटेल में क्या ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो देखिए, पेपाल के जब आप बिज़नेस अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर पेपाल आपसे पूछता है कि आप आपके बिज़नेस डिटेल दें,
तो वहाँ पे आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करें, आपके पास चार ऑप्शन होते हैं तो इंडिविजुअल सेलेक्ट कीजिए। और फिर उसके अलावा आपके पास वहाँ पे देखिए प्रोफेशनल सर्विसेज का ऑप्शन होता है आपके पास, तो आप प्रोफेशनल सर्विसेज दे दें। और इसके अलावा फिर आपके पास और भी ऑप्शन होते हैं, कंप्यूटर सर्विसेज होता है, सॉफ्टवेयर वगैरह के होते हैं, तो वो आप कोई भी दे दें। तो अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज भी दे देंगे तो वो आपके काम आ जाएगा, और उसमें आपको वेबसाइट का एड्रेस भी देना नहीं पड़ता। तो पेपाल के हवाले से ये तकरीबन ये सवालात हैं, 20 से ज़्यादा सवालात हैं, तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि तमाम के तमाम जो सवालात हैं उनके जवाब मैं आपको दे दूँ, और यहाँ पर मैंने इसी वीडियो में कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आइंदा आपको पेपाल के हवाले से किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। अगर कोई इशू आपका है भी तो आप यहाँ पे वीडियो के कमेंट्स में आप पूछें, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अगर नए सवालात होंगे तो मैं एक जब चंद सवालात इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं एक नई वीडियो बना दूंगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।